वेलकम टू प्राइम टू एडवांस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंक व संख्याएं। बच्चों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे जो है कोई अंक लिखा जाता है तो उसको जो कब क्या पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इकाई वाले अंक होते हैं, इकाई अंक से बनने वाली संख्याएं होती हैं, दहाई अंक से बनने वाली संख्याएं होती हैं, सैकड़ा वाले होते हैं, तो हम कब कैसे समझेंगे कि वो इकाई वाला है, कि दहाई वाला है, कि सैकड़ा वाला है। ठीक है, कोई भी अंक हो अगर वह सिंगल है, कोई भी संख्या है अगर वह सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, इकाई अंक बोलेंगे। कोई भी संख्या है अगर वह सिंगल या अकेले ही है तो उसे हम क्या समझेंगे, इकाई वाला। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ तक जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, इकाई अंक वाले संख्याएँ होती हैं। वो जितने भी एक से लेकर नौ तक क्या होती हैं, वो इकाई अंक वाले संख्याएँ हैं। अगर कोई संख्या जैसे मान लीजिए लिख दे, जीरो बना दे, फिर एक बोल दे, ये भी क्या है, इकाई अंक वाली संख्या है। क्योंकि जीरो जो है इसका वैल्यू जब रहता है, जब यह किसी अंक के पीछे रहता है, ये जीरो का वैल्यू कब रहता है, जब यह किसी के अंक के पीछे रहता है। लेकिन जीरो का जो किसी के आगे है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वह नहीं माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या, एक है, और संख्या भी क्या कहलाएगी, एक ही कहलाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए जीरो नौ है तो यह क्या है, यहाँ पर इकाई अंक तो 9 हो जाएगा और संख्या क्या कहलाएगी, 9 कहलाएगी। लेकिन अगर यही जीरो इधर पीछे हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, जब 90 हो जाएगा। वही जीरो यहाँ पीछे हो जाए क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। लेकिन अगर जो जीरो आगे है तो क्या बोलेंगे, इसे एक। जीरो आगे है तो क्या बोलेंगे, इसे 9 बोलेंगे। ठीक है, ये था इकाई अंक वाले संख्याएँ। अब आगे देखेंगे दहाई अंक वाले संख्याएँ। दहाई अंक वाली संख्याएं जो होती हैं वो 10 से शुरू होकर 99 तक जाती हैं और ये दो अंक की होती हैं। इकाई अंक वाली संख्या कितने की होती है, एक अंक की होती है, यानी वो सिंगल सिंगल रहेगा। जैसे एक, दो, तीन, क्या है, सिंगल है 9 तक। अब दहाई अंक वाली संख्या में क्या रहता है, डबल रहते हैं, यानी दो अंक रहते हैं। जैसे देखिए एक, जीरो भी एक प्रकार से अंक ही माना जाता है। जब एक जीरो जो है किसी अंक के पीछे रहता है तो उसका वैल्यू माना जाता है और वो अपने आप में 10 बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, 10 बढ़ा देता है, किसी 10 बढ़ा देता है। ठीक है, अब जैसे 10 एक इकाई है, उसके पीछे क्या है, जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या, ये क्या है, 10 है। लेकिन अगर यही जीरो कहाँ रहेगा, आगे रहेगा, तो ये क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या मानेंगे हम, दो अंक वाली। तो दहाई अंक वाली संख्या क्या होती हैं, वो दो अंकों की होती हैं। और इसमें जो इसका जो ये पीछे है, ये जीरो है, इसको क्या मानेंगे, इकाई मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, दहाई। ठीक है, जैसे 11 है, 11 में क्या इकाई कौन सी, एक है, और दहाई क्या है, एक ही है। यहाँ पे इकाई क्या है, दो है, यहाँ पे दहाई क्या है, एक है। ठीक है, तो 10 से लेकर 99 तक क्या माना जाता है, दहाई अंक वाली संख्या। यानी 10 से लेकर 99 तक क्या माना जाता है, दहाई अंक वाली संख्या। और दो अंकों की जो संख्याएँ होती हैं वही दहाई अंक वाली संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, उनमें दहाई अंक रहता है। जब भी कोई दो अंकों वाली रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, दहाई रहेगा और इकाई अंक भी रहेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं सैकड़ा अंक वाली संख्या। बेसिकली सैकड़ा अंक वाली संख्या जो होती है तीन अंकों का होता है। तीन अंकों का मतलब रहेगा कि ए, इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, अगर यही जैसे मान लीजिए है, ये 99 है, जैसे मान लीजिए ए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जीरो कर दिया तो क्या माना जाएगा, यह एक माना जाएगा। लेकिन अगर जैसे इसको कर दें हम, जीरो कर दें, फिर एक कर दें, फिर जीरो कर दें, तब भी ये क्या माना जाएगा, 10 ही माना जाएगा। और एक कौन सी संख्या रहेंगी, दहाई वाले रहेंगे। यह जीरो क्या रहेगा, इकाई रहेगा, या क्या रहेगा, दहाई रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार का जो हम लिख दें 0 99 लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पर जो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यह इकाई हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। और किसी भी संख्या को गिनते किधर से हैं, बाएँ से, बाएँ से गिनते हैं, सॉरी दाएँ, दाहिने की तरफ से गिनते हैं। ये जैसे यह है, ये दाहिना है, ये बायां है, तो यानी दाहिने की तरफ से गिनते हैं, तो दाहिने क्या हो जाता है, इकाई होता है, और बाएं क्या होता है, दहाई होता है। ठीक है, अब आते हैं सैकड़ा वाले अंक वाले। सैकड़ा अंक वाली संख्याएं जितनी भी होती हैं वो तीन अंकों की होती हैं। सैकड़ा अंक वाली संख्याएं जो होती हैं वो तीन अंकों की होती हैं और वो 100 से शुरू हो जाती हैं। कितने शुरू होती हैं, 100 से, और कहाँ तक जाती हैं, 999 तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं, 999 तक। ठीक है, ये कितना है, ये 999, और ये क्या है, 100 है। तो एक के पीछे मैंने पहले ही बताया था कि जीरो के अगर जो जीरो लिखते जाएंगे तो संख्या उतना ही बढ़ती जाती है। ठीक है, और लेकिन वही जीरो उसके आगे लिखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो उतना ही रहता है। तो ये 100 है, यह कितना है, 100, 102 है,
सॉरी 101 है, या 102 है, या 110 है, या क्या है 999 है। तो तीन अंकों की क्या होती हैं, सैकड़ अंक वाली संख्याएं होती हैं। और जो इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें कैसे किस संख्या को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे 999 है, ठीक है, ये कितना है 110 है, ये 102 है। अगर यहीं पर हम इसको ऐसे लिख दें 0999, ठीक है, 10999 लिख दिया, देखिए यहाँ पर भी 999, यहाँ पर भी 999, लेकिन जीरो कहाँ है, पीछे है, जीरो कहाँ, सॉरी जीरो कहाँ है, आगे है। तो इस जीरो की वैल्यू नहीं, अभी ये कितने अंक का है, तीन अंक का, ये भी नहीं, ये कितने अंक वाली है, सैकड़ा अंक वाली है, यानी इसमें 100 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर यही जीरो यहाँ पीछे लिख दें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी जीरो की, कुछ और रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आप लिख दिया 901, ठीक है, तो यह कितना मैंने लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 901 है, ये कितना है 901 है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि 901 कैसे है, ठीक है। अब अगला देखिए 4000 अंक वाले, सॉरी 1000 अंक वाले संख्याएं, 1000 अंक वाले संख्याएं, 1000 अंक वाले संख्याएं जो होती हैं चार अंकों की होती हैं। उसमें कितने अंक होते हैं, 4000 में चार, सैकड़ अंक कितने, तीन, दहाई में कितने, दो, इकाई में कितने, एक, इकाई में कितने, एक, दहाई में दो, सैकड़ा में तीन, और हजार में कितने अंक होते हैं, चार अंक होते हैं। और यह भी जो है यह भी इसमें क्या होता है, 999, यानी 9999 तक जाता है। और ये शुरुआत कहाँ से जाता है, 1000 शुरुआत हो जाता है। जैसे ही हम 999 में एक जोड़ते हैं तो सीधे वो क्या हो जाता है, 1000 हो जाता है। और 1000 से ही शुरू होता है हमारा क्या, हजार अंक वाली संख्याएं, यह 1000 है, यह 2000 है, यह 1111 है, यह 5555 है, यह 6790 है, 8770 है, ये कितना है 9999, ठीक है। अगर यही जीरो अगर हम पीछे यहाँ पर लिख दें तो पांच अंकों का नहीं कहलाएगा, तब ये कितने कहलाएगा, चार अंकों का, क्योंकि जीरो जो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जीरो जब पीछे रहेगा अंक के तभी उसकी वैल्यू रहेगी, जीरो जब आगे रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। अभी देखिए 10000 अंकों वाली संख्याएं, 10000 अंकों वाली संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, जब हम 9999 में एक जोड़ देते हैं तो क्या बनता है 10000। 10000 में क्या होता है, पांच अंकों की संख्या होती है, कितने अंकों की संख्या होती है, पांच अंकों की। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 10000 अंकों वाली संख्या कितने की होती है, पाँच अंकों की होती हैं। और यहाँ पर जो कभी काउंट करते हैं तो 10 का, जैसे जैसे 10 10 20 30 40 50 होता है ना, उसको काउंट करते हैं। या जैसे हम यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ना दहाई वाला, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12, तो वहाँ पे दहाई अंक वाले बोलेंगे, यानी 10 से लेके 99 तक के संख्याओं को हम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, 10000 बोलेंगे, देखिए दहाई अंक है ना, दहाई 10000 का मतलब ये है कि हम दहाई वाला बोलेंगे, यानी दो अंकों को शुरुआत से बोलेंगे। जैसे 10 है, 10 कितने को होती है, दो अंकों को होती है, इसको बोलेंगे हम 50, ठीक है। ये कितने को बोलेंगे हम, 56 बोलेंगे, इसको कितना बोलेंगे हम, 56998, ठीक है। तो वही चीज़ है, यानी हम यहाँ पर जो है पूरा दहाई को लेकर बोलेंगे, यानी दो अंकों को लेकर बोलते हैं। 10000 जब भी रहेगा, जब भी पाँच अंकों का जाएगा तो 10000 हो जाएगा, और 10000 हम क्या बोलेंगे, दहाई वालों को लेकर बोलेंगे, यानी जैसे 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। तो हम देखिए 56 है, तो हम इसको सीधे क्या बोलेंगे, 56000 बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि 10000 का है तो इसको हम बोले 50000, 6998, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसको जब भी बोलेंगे सीधे क्या बोलेंगे, दो अंकों को लेकर बोलेंगे, और ये दो अंक कितने हैं, 56। यहाँ आप कितने को लेकर बोलेंगे, 20000, यहाँ आप कितना हो जाएगा, 30000, यहाँ आप कितना, 99000, यहाँ आप कितना बोलेंगे, 99999, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊँगा कि इनको कैसे लिखना है, संख्याओं कैसे लिखना है, पहले आप ये समझ जाइए कि कौन कितने अंकों का होता है। लाख, लाख अंक वाले संख्याएं, लाख अंक वाले संख्याएं जो होती हैं वो छः अंकों का होते हैं। आपको जब भी कोई बोल दे लाख तो ये ध्यान में रहना चाहिए कितने होने चाहिए, उसमें अंक कितने होने चाहिए, छः। जीरो रहे न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब कुल मिला जो छः होना चाहिए। और अगर जीरो भी रहे तो क्या रहना चाहिए, अंकों के एक जो शुरुआती अंक है उसके पीछे जीरो होना चाहिए। शुरुआती अंक अगर जो आगे जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, अगर जो उसके पीछे जीरो है तो उसकी वैल्यू है। जैसे आप मैंने लिखा एक, अगर मैं एक के पीछे इधर जीरो लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू है, लेकिन अगर जो एक के आगे लिख दे रहा हूँ तो इसकी वैल्यू
नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि लाख अंक वाली संख्या कहाँ शुरू होती हैं, कितने अंकों की होती है, 6 अंकों की शुरू होती हैं, और 99,999 में एक जोड़ने से क्या होता है, 1 लाख बनता है। इसमें जो है 99,999, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1 लाख। अब ये 2 लाख है, इसको बोलेंगे 3 लाख। अब देखिए लाख के पीछे क्या आया था, 10,000, तो फिर कितना है ये, 78,000 बोलेंगे, 78,000। अब इस हज़ार को हम जो नहीं बोलेंगे, जब दहाई वाला हम बोल देते हैं, जब भी हम जो है दहाई वाला बोल देते हैं, तो ये हज़ार वाला अपने आप क्या हो जाता है, कैंसिल, इसको नहीं बोलते, फिर सीधे जंप करके कहाँ चले जाते हैं, सैकड़ा पे। तो अब कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 76। जब 2 अंकों का है तो 76 पे ही ख़त्म कर देंगे, इकाई पे नहीं जाएंगे। अगर यहीं 7 की जगह 0 रहता तो फिर 500 क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं, ठीक है। ये कितना है, 3 लाख है, ये कितना है, 9,99,999। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी जो है ये 9 लाख हो गया, अब इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके जस्ट पीछे क्या है, 10,000 है, तो 10,000 में क्या आएगा, 10, 10 का मतलब 2 अंकों वाला, 10 2 अंकों में क्या है, 99,000 हो जाएगा। और जब जब भी हज़ार हम जब बोल देंगे तो सीधे हज़ार को इसको क्रॉस करके कहाँ चल जाएंगे, सैकड़े पर चल जाएंगे, तो 900 हो जाएगा। और 900 के बाद क्या है, दोनों मिला क्या आता है, 99 होता है, ठीक है। तो 9,99,999 है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, 10 लाख अंकों वाले संख्याएं, 1 लाख के बाद क्या शुरू होता है, 10 लाख अंक वाले, 10 लाख अंक वाले में कितने अंक होते हैं, 7 अंक होते हैं, इसमें कितने अंक होते हैं, 7। जब लाख की बात करेगा तो 6, 10, 10,000 की बात करेगा तो 5, 1,000 की बात करेगा 4, सैकड़ा की बात करेगा 3 अंक, और दहाई की बात करेगा तो 2 अंक, और एक इकाई की बात करेगा तो 1 अंक। तो इकाई के लिए क्या बात, इकाई के लिए क्या होगा हमारा, इकाई इकाई के लिए कौन सा अंक रहेगा, 1 अंक, दहाई के लिए 2 अंक, सैकड़ा के लिए 3 अंक, हज़ार के लिए 4 अंक, 10,000 के लिए 5 अंक, लाख के लिए 6 अंक, और 10 लाख के लिए 7 अंक, ठीक है। और देखिए बिल्कुल ऐसे जो है, जैसे हज़ार था 10,000 हुआ है, उसी प्रकार लाख को क्या कर देंगे, 10 लाख कर देंगे, ठीक है। मतलब जो जैसे हज़ार था, हज़ार में हमने क्या किया था, 2 अंक लिया, तो वैसे ही इसमें जो 10 लाख में भी क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। जब भी पढ़ेंगे तो कितना बोलेंगे, 10 बोलेंगे। जब देखने काउंट करेंगे 7 अंक हो रहे हैं कि नहीं, जब देखने पहले काउंट करेंगे 7 अंक हो रहे हैं कि नहीं, देखिए यहाँ काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब 7 अंक हो गए तो जो मैं बाद में जो पढ़ाना सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ से पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 हो गया तो 10 लाख। ये कितना है, 20 लाख है। ये कितना है, 87 लाख, ठीक है, 68,869। जब भी हम बोल देंगे, जब भी दहाई वाले बोल देंगे, यानी 87 हमने बोल दिया, इस लाख को नहीं बोलेंगे, अब सीधे कहाँ चल जाएंगे, 10,000 पे। 10,000 पे क्या है, 68,000। जब हमने और हज़ार बोल दिया एक बार, तो अब इस हज़ार को छोड़ के कहाँ चल जाएंगे, सैकड़ा पे, सैकड़ा पे आए 869, ठीक है। उसी प्रकार ये है कितना है, 99 लाख, कितना है, 99 लाख, सॉरी हाँ, 99 लाख, 99,999, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, शुरुआत होता है करोड़ का। करोड़ अंक वाले संख्या में कितने अंकों का होता है, 8 अंक हो जाते हैं। कितने अंक होते हैं, 8। जाहिर सब काउंट करते जाइएगा, इकाई ऐसे काउंट करिए, उंगली पे भी आप काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, करोड़, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए आठवें नंबर पे आ रहा है, तो उसी प्रकार देखिए आठवें नंबर पे आ रहा है, तो करोड़ में कितने अंक होंगे, 8 अंक। कितने होंगे करोड़ में, कितने होंगे, 8 होंगे, 8 अंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो करोड़ में कितनी संख्याएँ हो रही हैं, 8 हो रही हैं, और जो हमारे यहाँ पर आया था 99 लाख आया था, 99,99,999, एक जोड़ने से क्या होता है, करोड़ शुरू हो जाता है। अब जैसे ये कितना है, करोड़ है, या 1 करोड़ है, या कितना है, 2 करोड़ है, 2 करोड़ हो गया। फिर क्या जाए, 2 करोड़, करोड़ के पीछे क्या है, 10 लाख है। 10 लाख के जब क्या बोल देंगे हम, अब 10 की जगह क्या है, 85 है, तो बोलेंगे 85 लाख। 85 लाख के बाद क्या है, अब लाख बोल दिया तो सीधे हम कहाँ चल जाएंगे, इस पे चल जाएंगे,
10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का जो क्या है, 85 लाख, 2,85,00,000 के क्या है, 76, तो हो जाएगा 76,785। उसी प्रकार ये कितना है, 9,20,50,507। ठीक है, अभी वाला जो है हमारा कितना है, ये 9,99,99,999। ये देखिए, ये 10 करोड़ अंक वाले संख्या हैं। 10 करोड़ अंक में कितना हो जाएगा, 9 अंक हो जाएगा। यहाँ से ऊपर से काउंट कर देखिए, 9 आया है, क्रम में भी 9, इसलिए मैंने क्रम भी लिख दिया है कि 9वें नंबर पे है, इसमें कितने अंक आएंगे, 9 अंक आएंगे। इसके नीचे अरब अरब भी होते हैं, तो उसका उतना जो है नहीं है। पहले आप 10 करोड़ तक समझिए, 10 करोड़ में कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, तो इसमें आप काउंट कर सकते हैं, 9 है। तो यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे इसको, 10 करोड़ बोलेंगे। कितना बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे यहाँ से 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़, ये पूरा 10 करोड़। इसको कैसे पढ़ेंगे, 22 करोड़। करोड़ एक बार बोल दिए तब सीधे लाख पे जाएंगे, बोलेंगे इसको 89 लाख। लाख पढ़ लिया हमने तो सीधे कहाँ पर जाएंगे, 1,000 पे, 76,999। यानी जब हम दहाई को बोल देंगे तो उसके बाद उसके जो है इकाई वाले को नहीं बोलना। जैसे हमने आपको बोल दिया 22 करोड़, 22 क्या है, 22 करोड़, यानी हमने दहाई वाला करोड़ बोल दिया है, तो इकाई वाला, इसको इकाई वाला करोड़ मानेंगे, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब सीधे से कहाँ चलेंगे, 10 लाख वाले पे चले जाएंगे। तो 10 लाख वाले पे क्या है, 89 लाख। 89 लाख अब हमने पढ़ लिया, तो अब लाख वाले, यानी लाख को क्या मानेंगे यहाँ पे, इकाई वाला मानेंगे, तो अब लाख वाले को नहीं पढ़ेंगे। अब सीधे कहाँ चले जाएंगे, 10,000 वाले पर। 10,000 के जगह क्या है, 76,000 है। फिर उसके बाद क्या है, 900, यानी सैकड़ा जाएंगे, फिर क्या, 99। इसी प्रकार ये देखिए कितना है, 15 करोड़, 25 लाख, 10,890। ये बिल्कुल वैसे ही प्रकार, 99 करोड़, 99 लाख, 99,999। तो बच्चों ये थे जो है इकाई से लेकर जो है 10 लाख तक, इसको ऐसे आप पढ़ सकते हैं। और बच्चों जो संख्या की काउंटिंग जो हमेशा पीछे से करते हैं, कहाँ से करते हैं, इधर से करते हैं, ऐसे करते हैं। ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक हुआ, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी प्रकार 10 लाख वाले पे हम जो जा रहे हैं, करोड़, 10 करोड़ वाले पे, इसको कैसे काउंट करेंगे, देखिए यहाँ से काउंट करिए। इसको बोलेंगे इकाई, ऊपर से आप काउंट करते रहिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक, 1,000, 10,000, लाख, करोड़, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इसमें बच्चों कामा भी आता है, एक जो है हमारा कामा कहाँ पर आता है, ऐसे, एक सैकड़े पर आता है, ठीक है, एक 1,000 के बाद आता है और एक लाख के बाद आता है, ऐसे कामा भी आता है। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा एक बार, कामा क्या है, ऐसे ही मतलब ऐसे ही कामा आता है। ठीक है, एक जो है ऐसे मतलब आएगा हमारा, जो सैकड़े के बाद कामा रहेगा, इधर से जानते काउंट कर जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़े पर कामा, फिर 1,000, 10,000 पे कामा रहेगा, लाख, 10 लाख पे कामा रहेगा, उसी प्रकार करोड़, 15 करोड़ पर कामा, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, अरब शुरू हो जाता है। तो अरब होता है फिर 10 अरब होता है। तो अगर आप अरब को अगर जो देखेंगे तो अरब में कितने अंक हो जाएंगे, 10 अंक हो जाएंगे, और उसके बाद 10 अरब में कितने अंक हो जाएंगे, 11 अंक हो जाएंगे। बस यही रहेगा हमारा। तो बने रहिए प्राइमरी टू एडवांस के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।